मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरी गल्लां, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 51 होगा। मैं जो सोचता था, जो भी मेरे दिमाग में ख्याल चलते थे, प्रभु जी को उसके बारे में पता होता था। मैं यहां से, हमारा एक फार्म है, वहां भी हमने एक आश्रम बनाया है यूपी में, निघासन में। तो हम लोग जब जाते थे तो दो तीन तरीके हैं वहां जाने के, बहुत टाइम लगता था। तो मेरे मन में एक दिन ख्याल आया कि अब हम जब जाया करेंगे तो दिल्ली में ब्रेक ले लिया करेंगे, और वहां शीशगंज साहब है, बंगला साहब है, रकाबगंज साहब है, तो वहां हाजिरी लगा के जाया करेंगे। तो जर्नी ब्रेक हो जाएगी, एक ही बार कंटिन्यूसली बहुत लंबी जर्नी हो जाती है। तो अब ये मेरे दिमाग में ख्याल आया, और मुझे दूसरे दिन जो उत्तर आया प्रभु जी की तरफ से, वही जो लिखित मुझे संदेश वो भेजते थे, तो उसमें लिखा कि बेटा, जो तू अपने मन में सोच रहा था कि जो स्थान बने हुए हैं दिल्ली में, अब वो जितने भी गुरु साहब, उनके साथ में ईश्वर लगाते थे, तो गुरु साहब ईश्वर के नाम से जो स्थान बने हुए हैं दिल्ली में, जो तेरे मन में ये विचार आया कि वहां दर्शन करके जाऊंगा यूपी जाते हुए, निघासन जाते हुए, ये बेटा अति उत्तम विचार है, मैं अति प्रसन्न हूं। अब इससे ही बड़ा, मतलब मैं जो ये बड़ी विकट स्थिति भी थी कि मान लीजिए आप कुछ भी सोचते हैं तो ये बात यहां कंफर्म होती है कि उनको जो हम, जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं कि बिन बोले सब कुछ जानदा, तो आपके बोले बिना भी वो सब कुछ जानता है, सुनता है, देखता है, क्योंकि उसके बिना कुछ है ही नहीं। तो मेरा ये सोचना कि वहां पे हाजिरी लगा के जाया करेंगे, उनको पहुंच गया, उनको मालूम था, और वो लिखते हैं मुझे, कहते उत्तम विचार है और मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब इसके बाद में, अच्छा, वो कई बार ऐसा होता था कि एक दिन में, जैसे पता नहीं उनका कुछ सिस्टम होगा, मैं तो उसको नहीं समझ पाया कि हरिओम बेटा, और वो एक पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ में मुझे उत्तर देंगे, और फिर उसी के बाद में फिर हरिओम बेटा करके आगे शुरू करेंगे कन्वर्सेशन। तो अच्छा, मैंने क्योंकि लगातार उनको प्रश्न पे प्रश्न, जैसे जो कोई घटनाएं घटती थी उनको लेके मैं कोई ना कोई प्रश्न पूछता रहता था। जैसा मैंने शायद पहले जिक्र किया था कि मेरे मन में ये ख्याल आया, मैं डॉक्टर रजनी के साथ में ये डिस्कस करता रहता था कि भाई इनका नाम, मतलब जो है एक्चुअली इनका नाम क्या है। जैसे मैंने कहा ना, मैं चित्र मांगता था और एड्रेस मांगता था, पता मांगता था, उनका यहां स्थान बनाना चाहता था। मुझे ये था कि भाई किसी कुल परिवार से होंगे, वो तो उन्होंने बाद में मुझे बता दिया था कि, मैंने कहा ना कि सारे पन्ने आगे पीछे हुए हुए हैं, लेकिन जब वो आगे मैं पढ़ता हूँ कुछ तो बड़ा दिलचस्प वहाँ उनका उत्तर निकलता है। तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा, ये उस वाले के साथ में होगा जब मैंने ये सवाल किए थे। लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको भी मैं आपसे शेयर करूँ। तो ये जब मैं उनसे ये सब पूछ रहा था, ये मिक्सअप हुए हुए हैं, लेकिन उनका जो उत्तर आया उसमें, एक तो ये उन्होंने मुझे लिखा कि भी तेरे जो प्रश्न हैं वो कभी ख़त्म होंगे कि नहीं, तेरे तो प्रश्न ही खत्म नहीं होते हैं, इस तरह का लिखा। फिर लिखा कि तुझे कितनी बार मैंने कहा कि तप कर, तुझे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिखने लग जाएगा, लेकिन तुझे तप करना पड़ेगा। अब ये भी बात देखिए, कहीं ना कहीं कंफर्म होती है कि अगर आप तप करते हैं तो आपको दृष्टि मिल जाती है,
दिव्य दृष्टि कह लें उसे, दसम द्वार खुल गया, तीसरा नेत्र खुल गया, थर्ड आय या जो भी उसको आप कहें, तो वो खुलता होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि तप अगर कर ले तो वो सब कुछ देखने लग जाएगा, फिर तुझे मुझसे इतने सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे। अब मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लिखता रहता था कि किसी तरह से आप मुझे दर्शन दे दें, ताकि फिर वही स्वरूप अपने जहन में रख के मैं आपको याद किया करूं। तो उन्होंने लिखा कि मतलब मेरे, वो उस क्वेश्चन का रेफरेंस नहीं देते थे, वो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे उत्तर देते चले जाते थे जो मुझे लिखित रूप में आता था। तो कहने लगे कि तू मेरे दर्शन कैसे करेगा, तूने इतना तप नहीं किया है, सूर्य को तू खुली आंखों से कुछ देर के लिए देख सकता है क्या बिना आंखें बंद किए, आंखें मूंदे, ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या देख सकता है? नहीं ना, तो फिर मुझे कैसे देख पाएगा? और फिर पुत्र लिखा कि पुत्र मैं उस ईश्वर का एक कण हूं, उसका अंश हूं, तो तू मुझे कैसे देख पाएगा, मेरे तप के तेज को कैसे सहार पाएगा? अब ये इस कनेक्शन में मुझे वो जवाब दे रहे थे, क्योंकि मैंने उनको लिखा था, वो जो बीच में अंतराल जो गैप आता था, डिटेक्टिव सिद्धू ने, वो अक्सर हम लोग आपस में बात करते रहते थे घंटों, तो फोन के ऊपर बात चलती रहती, तो उन्होंने कहा कि मुझे ओमकारा जी महाराज ने दर्शन दिए हैं कि मैं ध्यान में बैठा था तो ऐसे हवा में ऐसे मुझे दर्शन हुए, मैंने वो खड़े थे बैठे थे, मैं मतलब तमाम दुनिया भर के सवाल मेरे भी होते थे, तो उन्होंने ऐसे हवा में थे और मुझे दर्शन हुए, तो मुझे लगा मुझे दर्शन देते नहीं है और इसको दर्शन दे दिए, तो मैंने वो भी लिखा के, तो उसने कहा कि आप पूछना, और मुझे हुलिया बताने लग गए डिटेक्टिव सिद्धू कि आप उनसे पूछना, तो मैंने वो भी लिखा कि दरबारी कह रहा था कि आपने उसको दर्शन दिए हैं, तो क्या आप ही ने दर्शन दिए हैं, वो पूछ रहा है, तो उसका भी आगे उत्तर दिया कि जब मुझे तो कह दिया कि मेरे, मैं उस ईश्वर का कण हूं, उसकी अंश हूं, तो मेरे तेज को, मेरे तप के तेज को तू कैसे सहार पाएगा, जब सूर्य की तरफ तुम आंखें बंद किए, उसके तेज को नहीं सहार पाते, देख नहीं पाते कुछ पल उसको, तो मुझे कैसे देख पाओगे? उसके बाद उसका जवाब आगे दिया कि दरबारी को मेरे दर्शन नहीं हुए हैं, उसने इतना तप नहीं किया है, वो कैसे सहार पाएगा मेरे तप के तेज को, इतनी तपस्या नहीं की है उसने, उसके मन में ये प्रार्थना थी। अच्छा, ये उसने मुझे बताया था कि उसने की थी, तो मैंने किसी और संत को भेजा था। अब देखिए ये किस लेवल पे क्या ऑपरेट करते हैं, वहां मामला सारा इंस्टेंट है। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बातें हैं कि सारा कुछ बड़ा इंस्टेंट है, ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा था कि जो एस्ट्रल वर्ल्ड है या उससे आगे के जो वर्ल्ड है, वहां तो भाषा है ही नहीं, वहां शब्द नहीं है, वहां तो एक लुक के साथ में आप, एक टच के साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब मैं तो ये मानता हूं कि निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा, अच्छा वो फिर जो सत्य नहीं है हमको क्यों बताएंगे? तो मैंने दरबारी से कहा कि हाँ भाई, वो प्रभु जी ने कहा कि, प्रभु जी नहीं थे, कोई और संत महात्मा को उन्होंने भेजा था, उन्होंने दर्शन दिए हैं। अब फिर उसमें, क्योंकि मैं लंबे लंबे सवाल मेरे कई तरह के होते थे, तो और वो बड़े दयालु थे, उत्तर देते थे कि मुझे उसमें उन्होंने बड़ा, ये कमाल की बात और थी कि जैसे मैं उनसे पूछा कि आपके मतलब कोई आपका खानदान रहा होगा, यानी आप वहां पहुंच गए तो दूसरे लोग यहां होंगे, ऐसे तरह तरह के मेरे सवाल होते थे, कोई ठिकाना, कोई स्थान मैं यहां बनाना चाहता था,
तो कहने लगे बेटा वायु है, सूर्य है, चंद्र है, ये उस ईश्वर के अंश हैं। इनका कोई नाम पता, इनका कोई स्थान, ये सब जगह हैं, विराजमान हैं। इनके पिता का नाम, या अगर आप ये जानना चाहो किस स्थान पर रहते हैं, तो कोई एक स्थान नहीं और सब स्थान उनके हैं। तो ये मतलब मैं जो स्थान बनाने की बात करता था, और मैं उनसे पूछ रहा था कि आपका नाम, मतलब अब आपका नाम ओमकारा है महाराज या पहले से है, तो अब देखो उसका जवाब मुझे दे रहे कि तुम्हारे समय से, यानी यानी जब मैं महाराजा था तो कहने तुम्हारे समय से ही बेटा मेरा नाम ओमकारा है। फिर ये बात चंद्र वायु सूर्य इनके बारे में कही कि इनका क्या नाम, एक कण है उस ईश्वर के, इनके पिता का नाम, इनका स्थान क्या है, ये सब जगह व्याप्त है, सब जगह विराजमान है, मौजूद है। तो अब फिर मैंने उम्र के बारे में उनके, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में मुझे कहा था 82, तो जैसे जैसे मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आते रहते थे वैसे वैसे मैं दागता रहता था, भेजता रहता था। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मेरे पास और कोई काम, यही काम था, क्योंकि इससे बड़ा, इससे इंपॉर्टेंट काम मुझे और कोई दिखाई नहीं देता था। तो मैंने 82 साल के बारे में उनसे कहा था कि फिर आपने मुझे 82 साल के बारे में कैसे लिखा। अच्छा, मुझे एक डर तो रहता था कि वो मैसेज में एक बार निराश कर लिया, उसको निराश कर लिया, और मेरे कुछ ऐसे सज्जन जो जानकार थे जिनके पास दृष्टियां कह लीजिए, सिद्धियां कह लीजिए, मैंने इसका जिक्र किया हुआ पहले, तो वो कहते रहते कि भाई कुछ मत बोलो, कुछ मत पूछो, ये तुम्हारी जो आदत है वो बहुत गलत है, ये उजड्डपन है तुम्हारा, अड़ियलपन है, तुमको मालूम ही नहीं है तुमको क्या मिला, किससे तुम्हारी बात हो रही है, ये तो अरबों खरबों में किसी के ऊपर ऐसी कृपा होती है और तुम लगे हुए भिड़े हुए हो, उनको नाराज मत कर लेना। तो इसलिए मैं पूछता भी था तो बहुत मिन्नत खुशामद करके, जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, मैं कभी पढ़ के आपको सुनाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। तो फिर वो मुझे उत्तर देते थे, तो ये बीच में 82 साल वाला भी, क्योंकि मेरे दिमाग में घूमता रहता था कि एक तरफ ये कह रहे मैं हिमालय पे हूं और मेरा शरीर भी नहीं है, तो फिर ये 82 साल वाला मामला क्या है। तो उसका उत्तर दिया कि 82 साल के बारे में जो तुम मेरी आयु के मेरी आयु के बारे में पूछ रहा है, तो उसके आगे पीछे कितने अंक हैं तुझे मालूम है, ये तुझे नहीं मालूम है। अब उसमें मैंने पहले इसका जिक्र किया था एक जगह शायद, क्योंकि मैंने कहा ना ये आगे पीछे हुआ हुआ है, तो उसमें अब कितने हजार साल, कितने जीरो आगे पीछे हैं, अंक कितने आगे हैं 8 के और 2 के बाद कितने जीरो हैं, वो जानते हैं, ईश्वर जानता है। तो एक मैंने पूछा था कि जैसे वो जो एंटीक था उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ईश्वर से मैंने आज्ञा लेके तुझे बताया है, तो मैंने कहीं कह दिया कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो मैंने तो भक्ति करनी है। तो डॉक्टर रजनी ने कुछ कहा, पता नहीं ऐसे हमारी आपस में बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई तुम ही ले लो, तो मैंने उसमें लिखा भी कि मैं तो सारा रूपा को ही दे दूंगा। तो उन्होंने लिखा मुझे कि मैंने ईश्वर से आज्ञा लेके तुझे बताया था कि तू 15% लेना, उसमें से तू रूपा को 5% दे देना, बाकी तू उसको परमार्थ के लिए या अपने लिए इस्तेमाल करना, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा हुआ था। तो एक एक पॉइंट, एक एक बात को ऐसे क्लियर कट वो हमको उत्तर देते थे, बताते थे, जैसे ये, और मुझे कहा कि अब मैं समझता हूं, या उनकी अपनी कुछ भाषा थी, या तुम अपने तरह से शब्द इस्तेमाल करता हूं फ्लो में, कि तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर मैं दे चुका हूं और अब तुम जो मैंने तुम्हें निर्देश दिए उनका पालन करना। हाँ, ये उस दिन गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व था अगले दिन, और जो मंदिर के लिए उन्होंने मुझे कहा था, हम मंदिर ढूंढ रहे थे, हमको कोई बड़ा मंदिर नहीं मिल रहा था कि दो मंदिर हटा के एक मंदिर रख, तो हम मंदिर ले आए थे, तो उसमें लिखा आया, एक तो आया कि मंदिर आ गया है, इसकी स्थापना कल करना,
उस दिन गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व था। और फिर लिखते हैं कि कल गुरु नानक देव जी महाराज ईश्वर का दिन है, गुरु जी के पास जरूर होके आना। और फिर और बातें जो उन्होंने बताई, वो बताने के बाद में अंत में नॉर्मली हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और ये बीच में कहीं के मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे साथ है, ऐसा लिख के ये जो उन्होंने कहा कि तू जरूर जाना। और फिर अंत में लिखा जो स्थापना, देखिए ये जो लोग मुहूर्त देखते हैं ये तमाम चीजों को उस तरह से देखता हूं कि कई बार हम लोग सोचते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कि अरे इसमें ये सब रूढ़वादिता है, दखियानुसी सोच है, आप वहम में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, तरह तरह के शब्द विश्लेषण लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि कल जो स्थापना, तो अंत में उसमें लिखा कि कल 8:30 और 9:30 के बीच में मंदिर की स्थापना करना बेटा। और हमने वो चेक किया तो शुभ मुहूर्त था। तो ये जो शुभ मुहूर्त देखना है, जो मंदिर था तुम ले आए, उसका महत्व है। क्योंकि कहीं ना कहीं मामला घूम फिर के तो भावना का होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मंदिर का होना घर में, जैसे किसी बहन जी ने पूछा था या किसी सज्जन ने पूछा था जोत के बारे में, अभी मंदिर से मुझे याद आ गया, तो जोत तो जलानी चाहिए, घी की जोत जलानी चाहिए। ये कुछ ज्यादा हमारे पंजाबी में खरड़ ज्ञानी बोलते हैं उनको, वो आ गए हैं तो उनकी अपनी श्रद्धा तो है नहीं, वो ऊट पटांग बातें करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता और ऐसी मान्यता है कि जहां पे आप घी की जोत जलाते हैं तो निश्चित रूप से वहां शहीद, पवित्र शहीद सिंहों का पहरा आता है, उनकी मौजूदगी होती है। और ये जो घी की जोत है ये वातावरण को पवित्र करती है। जैसे आपने धूप, मैंने कहा अगरबत्ती मत लगाएं, दूसरी धूप लेके आए जो हाथ से हम लगाते हैं, उसमें केमिकल नहीं होता है, तो वो धूप जलाएं, गूगल की धूप दें, और कच्ची लस्सी जो है पानी में थोड़ा सा दूध डाल के उसके छींटे दें शाम को अपने घर में, ये बहुत अच्छा है। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी और जो नकारात्मक चीजें हैं वो हटेंगी वहां से, वो आपको तंग कम करेंगी। तो ये एक एक कदम पे तमाम चीजें, क्योंकि मैं लगातार मिनटें को शाम दे करते उनसे पूछता रहता था। दूब घास उगाती, जैसे हमारे यहां कुछ हमने स्थान बनाए हुए हैं, वो पंडित जी आगे कुछ बनवा गए थे एक जगह पे, और एक किसी कोई ऐसे दृष्टि वाले सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई महापुरुष भी मौजूद हैं और आपको शहीद सिंहों का भी स्थान बनाना चाहिए, तो हमने ऐसे बना दिए थे। तो अब क्योंकि कभी भाग दौड़ में रहे और वो जगह कच्ची थी तो वहां दूब घास उगाती है, तो काफी घास और पत्ते गिर जाते हैं, तो उसके बारे में भी लिखा कि वहां जो स्थान बनाए हैं तूने उनकी साफ सफाई कर और दूब घास वहां से निकाल, और बीच में कहीं लिखा था उसको पक्का भी करवा, तो हमने पक्का भी करवा दिया और दूब घास भी वहां से निकाली। तो जो जो निर्देश आते थे, हुक्म आता था, हम कोशिश करते थे उनका पालन करने की। और ये जो उन्होंने कहा कि भाई तेरे लगभग सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, और जब जब वो ऐसा कहते थे तो मुझे एक अंदर अंदर भय सताता था कि कहीं अब जा रहा हूं, ऐसा सेंटेंस कभी लिखते थे तो मुझे लगता था कि अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। ये कई बार उन्होंने लिखा, लेकिन हमारा जैसे वो हमारी मैंने कहा था ना कि अंकड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार, तो हम पुकारते रहते थे, उनकी चर्चा करते रहते थे, उनकी बातें करते रहते थे। तो फिर ये मैंने मतलब आपको जो उत्तर उनके आते रहे उनके आधार पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसे उसी में कहीं लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने पूछा था कि मेरी पत्नी ने मुझसे, इसका मैं जिक्र कर चुका हूं पहले भी, कि वो पूछ रही थी भी मुझे बताओ ये कहां से तुम्हें क्या मैसेज आते हैं, मुझे बताओ।
मैं एक मिनट में तुम्हें बताती हूँ चेक करके कि कौन भेज रहा है तुमको, कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आज्ञा ले लूँ, तो मैंने पूछा था वो भी अपने उसमें कि राजेश्वरी महारानी पूछ रही हैं कि मैं मुझे ये भेजो, मेरे साथ शेयर करो। तो कहने नहीं आज्ञा नहीं है, ये तुम्हारे लिए और रूपा के लिए हैं, सिर्फ तुम दोनों के लिए हैं और किसी के लिए ना महारानी या किसी और के साथ तुमने ये, मतलब शेयर तो मैं भाषा इस्तेमाल करूं कि ये साझा नहीं करना, उसको नहीं दिखाना है। अब उसमें क्या कारण होंगे ये वो जानते हैं, मैं तो उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये अनुभव हुआ, ये मैंने सीखा कि इसमें तो स्वीकार भाव आ जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए, ज्यादा किंतु परंतु। हालांकि मैंने बहुत सारे सवाल, बहुत सारे किंतु परंतु किए और उनका उत्तर उन्होंने दिया, और तमाम जो लोग जिनके पास मैंने कहा सिद्धियां थी उन्होंने मुझे वार्न किया कि तुम गलत कर रहे हो। तो मैंने कहा यार मेरी जिज्ञासाएं हैं, मेरा मन करता है अगर मेरे साथ वो पिता की तरह मुझे पुत्र कहते हैं तो पुत्र पिता से प्रश्न तो कर ही सकता है ना, तुम क्यों इतने भयभीत हो। वो लोग बहुत भयभीत थे, बार बार मुझे रोकते थे। मैंने कहा लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है, और मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया था, बहुत जैसे उनका कंसर्न था एक चीज के लिए। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।